आदिवासी बहुल इस क्षेत्र में कई जनजातियां निवास करती हैं। कई परंपराओं और संस्कृतियों का वाहक है ये प्रदेश, जहां भाईचारे और सामंजस्य का अद्भुत उदाहरण भी देखने को मिलता है। यहाँ के आदिवासियों का जीवन प्रकृति से काफी प्रभावित है। ये मूलतः प्रकृति के पूजक होते हैं। इन्हें प्रकृति में ही देवत्व के दर्शन भी होते हैं, जिसकी झलक आदिवासियों के सांस्कृतिक पर्व त्योहारों में सहज ही दिखाई पड़ता है। और इसमें जो है सखुआ फूल, सखुआ ब्रिज और सखुआ पत्ता इत्यादि और चिंगना मुर्गी का बलि, ये सब अपहान पूजा पाठ करते हैं। और सर्वोपरि पूजा होने के बाद मांगा जाता है, बर पहान साहब कहते हैं कि हे सरना पूजा माए, जो यहाँ पूर्वज से जो मानते मानते आया है चिंगना मुर्गी पूजा पाठ हम सब बलि दे रहे हैं, और यहाँ सुखपूर्वक खेती बाड़ी अच्छा से बरसा पाने और शांतिपूर्वक जीना खाना, ये खेती बाड़ी और अन धन लोक लक्ष्मी सब चीज का मांग पहान साहब मांगते हैं। इस पर्व की तैयारी लोग सप्ताह भर पहले से ही शुरू कर देते हैं। प्रत्येक परिवार में हड़िया बनाने के लिए चावल जमा किया जाता है। पर्व की पूर्व संध्या से पर्व के अंत तक पाहन उपवास रखते हैं। पर्व के पूर्व संध्या से पर्व के अंत तक पाहन उपवास पर रहते हैं। पर्व के दिन सुबह सुबह मुर्गा बांगने के पहले ही गांव का पुजारी दो नए घड़े में शुद्ध पानी भरकर सरना स्थल वृक्ष के नीचे रख देते हैं। दोपहर के समय पाहन और पूजा स्नान कर सरना स्थल पर पहुँचते हैं, जिसमे काफी लोग शामिल होते हैं। हिंदी वार्षिक से नया साल होती है और चैत तीर्थे में, चैत तीर्थे फागुन कटने के बाद में सरूर का आगमन होता है, उसमें प्राकृतिक का नए नए फूल, नए नए पत्ते, नए नए फल इत्यादि यहाँ आते हैं, उसी से हम लोग उमंग सरूर का आगमन हो जाती है। और दूसरा दिन हम सरूर के दिन में अपनी सरना स्थल में, सभी झारखंड के हर कोने के सरना स्थल में पाहन द्वारा सभी पाहन अपने अपने मौजा में जाकर कोटवार पाहन पनभोरा महतो इत्यादि जो है उसके माध्यम से हम लोग सरना स्थल पहुँचते हैं और समस्त वहाँ का ग्रामीण गणमान्य व्यक्ति लोग भी पहुँचते हैं, अभी विधिवत वहाँ पूजा करते हैं। प्रकृति और पर्यावरण को विशुद्ध रखने का नैसर्गिक गुण ही उनकी अपनी समृद्ध विरासत है, उनकी सांस्कृतिक पहचान है, उनके अस्तित्व की मूल अवयव भी यही है। ऐसे में ऋतु पर्वों का शिरोमणि सरहुल हम सब के लिए नवजीवन, आशा, खुशी, संपन्नता, पवित्रता और एकता का त्योहार बनकर आए, इसके लिए हम सभी का प्रयास भी आवश्यक है।